देखिए तो उत्तर प्रदेश में ये डिमांड थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में जो पी एम के अंतर्गत जो कार्ड बन रहे हैं उसको हमें आ, प्रिंट कैसे करना है आईडी कार्ड के रूप में कैसे सेट करना है हम एक क्लिक में भी पांच कार्ड एक साथ ए फोर पेपर पर प्रिंट करके दिखा सकते हैं और इसका हम आपको तरीका भी बताएंगे कैसे होता है ये सब कुछ आपको दिखाएंगे ठीक है तो ये देख लीजिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये उन लोगों के लिए केवल वो लोग डाउनलोड करें इस सेक्शन को वो लोग लोड करें जिनके लिए ये फ्रंट का अलग ओपन हो रहा है और ये बैक साइड का पेज अलग ओपन हो रहा है ठीक है अभी हम विस्तार से और बताएंगे थोड़ा सा और वीडियो देखिए पहले हम इसको दिखा देते हैं कैसे काम करेगा हमने एक सेक्शन को जस्ट पेले किया और आप देखेंगे कि आपके पाँच जो कार्ड थे और हम देखेंगे कि ए फोर पेपर पर ऑटोमेटिकली प्रिंट करने के लिए एक दो तीन चार पाँच क्रम से देखिए ये नंबर हमने इसलिए डाले क्योंकि देखिए हमारे पास फाइल ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि मैं डेमो फाइल बनाया किसी की इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये हमने ऐसा है कि शो नहीं रहा और देखिए क्वालिटी फॉल आएगा ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं आएगा तो इस तरह से हमने नंबर डाल के रखा कि भाई एक एक कार्ड है दूसरा है तीसरा है चौथा है पांच में इस तरह से देखेंगे पांच कार्ड आपके फटाफट ए फोर पेपर में सेट हो जाएंगे बॉर्डर भी रहेगा ऐसा नहीं है कि बॉर्डर ना रहे ये बॉर्डर भी रहेगा बॉर्डर हल्का से दिया है कि कई लोग अगर पीबीसी पे भी प्रिंट करना चाहें तो परफेक्ट है ड्रैगन सीट के लिए परफेक्ट है ये पीबीसी पे भी काम करेगा ठीक है अभी हम बताते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं क्या इसका टेक्निक है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए कैसे कार्ड ओपन होते हैं जैसे आप एक कार्ड ओपन करेंगे हम आपको एक कार्ड ओपन करके दिखाते हैं फोटोशोप में तो कुछ इस तरह का ओपन होगा देखिए फ्रंट का है ठीक है ये पांच नंबर हमने अलग से डेमोके डाला है ये फ्रंट का अलग होगा हमें ओके करना है और ध्यान रखना है यहां पर तीन सौ पर आपको ये देख ली तीन सौ पर ओके करना है ठीक है ये वाला और फिर आपको यहाँ पर ओके करना है और इसको आपको ओपन कर लेना है ठीक ऐसे करके ऐसे करते करते आपको जितने भी कार्ड लेने हैं चाहे आप तीन लेने हैं लेन, या चार लें या पांच लें जितने भी लेंगे आपको ऐसे लेकर आना है पहला पेज केवल पहला पहला पेज ओपन करना है आपको ओके कर देना है इंटर कर देना है तो ये हो गया आपका फिर चार हो गया तीसरा हो गया आपका दूसरा हो गया और ये पहला मतलब हमने उल्टा कर लिया ये ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच इस तरह से ये ओपन हो गया अब आपको क्या करना है सबसे लास्ट में किसी एक कार्ड को उठा लीजिए किसी एक कार्ड को कोई जरूरी नहीं है कि कोई कार्ड रखना है किसी भी एक कार्ड को उठा लीजिए और यहाँ से जो नीचे का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ से दूसरा पेज का यहाँ पे क्लिक करके हमें दूसरा पेज सेलेक्ट कर लेना है और ओके okay कर लेना है ठीक है मतलब सीधा ये है कि लास्ट में हमें यहाँ पे तीन सौ रेजुलेन पर ओके okay कर देना है लास्ट में हमें आखिरी वाला पेज ओपन करना है कोई भी हाँ, कार्ड को उठा लीजिए क्योंकि ये तो सेम है सबके लिए सेम रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि का कार्ड उठा के लास्ट वाला पेज हमें ओपन कर लेना है और ये कब ओपन करना है जैसे आप तीन कार्ड बनाना चाहेंगे तो तीन कार्ड के बाद आपको ये आखिरी बार ओपन कर लेना है ठीक है दो बनाना चाहेंगे तो दो के बाद ये आखिरी कर लेना मतलब आपके पास जितने भी कार्ड हैं उतने कार्ड ओपन करने के बाद में आपको लास्ट में ये वाला बैक साइड वाला ओपन करना है ठीक है और फिर हमारे पास ये एक्शन है एक्शन को हम प्ले करेंगे अब ये प्रश्न है कई लोगों के लिए कि ये एक्शन भाई कहाँ से मिलेगा और ये टेक्निक हम इसको यूज कैसे करेंगे इसको हम लोड कैसे करेंगे तो फुल सॉल्यूशन मिलेगा अभी हम इसको सब कुछ बंद कर देते हैं डिलीट कर देते हैं एक्शन वगैरह कुछ नहीं जानते मान के चलते हम कुछ भी नहीं जानते एक्शन के बारे में तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम क्या करेंगे हमें सबसे पहले लाना है एक्शन वाली विंडो पर जाना है यहाँ पर देखिए ये लिखा है विंडो विंडो हम पर क्लिक करेंगे और विंडो पर क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर एक्सेस 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 का का ठीक है है ये लिखा तो हम पे क्लिक करेंगे ठीक और जब एक्सेस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का हमें एक्शन देखने को मिलेगा जहां पर आपको केबल और कोबल क्या देखने को मिलेगा ऐसा नहीं आएगा आपको आएगा तो इस तरह का देखने, का देखने, देखने को मिलेगा इस तरह का देख लीजिए ऐसा बना रहेगा ये वाला तो हमें क्या करना है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके क्लिक करके और अगर आप नीचे देखेंगे तो ये एक डिलीट कैसा आइकॉन है हमें डिलीट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करने को कह रहा है तो डिलीट कर देना है ठीक है खाली कर देना इसको अभी हमें क्या करना है हमें जाना है यहाँ पे जो डबल एरो दिख रहा है डबल एरो ये वाला इस पर क्लिक करना है और फिर नीचे की तरफ आना है यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लोड एक्सेस का ठीक है तो हमें यहाँ पर लोड एक्शन करना है और जहां पे हमारा एक्शन सेव है अब ये प्रश्न होगा देखता हम लोगों का कि ये एक्शन आएगा कहाँ से तो वो एक्शन आएगा कहाँ से वो हम आपको तरीका बताते हैं पहले हमने यहाँ पे एक्शन सेव है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लोड पर क्लिक करेंगे ये लोड पे तो ये एक्शन लोड हो जाएगा अब बात ये है कि हमें यह एक्शन कहाँ से लाना है ये इंपॉर्टेंट है तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एक्शन लाने के लिए मतलब डाउनलोड करने के लिए और दूसरा तरीका भी आप देखेंगे तो हम आपको दिखाते हैं ठीक है दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं ये क्रोम ब्राउजर ओपन के लिए को भी और यहाँ पर आपको एक साइट का नाम लिखना है जिसका नाम है टू कम डॉट इन ये साइट का नाम है ठीक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका लिंक मिल ही जाएगा ठीक है ये साइट का नाम है इसको हमें सर्च कर देना तो जब आप सर्च कर देंगे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी अच्छा ध्यान रहे वेबसाइट बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ समय बाद इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा वेबसाइट को तो आपको परेशान नहीं होना है वेबसाइट कुछ तरह से बदल ये देखिए ये आपको ध्यान देना है कि ये साइट रहेगा ठीक है, है क्योंकि वेबसाइट कुछ समय बाद ये चेंज हो रहा है इसका लेआउट चेंज हो रहा है ये जो दिख रहा है आपको इसका लेआउट चेंज हो जाएगा कुछ समय में तो अभी हमें क्या करना है यहां पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये देख रहा है पी डी यू आर के सी सी वाई यू पी पी एमजे वाई इस तरह का आपको देखने को मिल रहा होगा आप समझ जाएंगे दूसरे देखिए इस पर हमें क्लिक करना है ना मिले तो यहाँ पर आपको शुद्ध कुछ भी लिख दीजिए पंडित लिख दीजिए या दीन दयाल इस तरह का लिख दीजिए और आपको यहाँ पर सर्च कर देना है तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये आपको पंडित दीनदयाल रिलेटेड ये मिल गया इसको हमें क्लिक करना है कुछ ऐड आए तो हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे अगर हम आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे चलते आएंगे चलते आएंगे चलते आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा कि पे नाउ एंड डाउनलोड एक्शन एक बार चार्ज देना है केवल आपको जितने आप कार्ड उसमें बनाना चाहें प्रिंट करना चाहें उतने आप कर सकते हैं इसका केवल और केवल एक आपको मतलब पे करना है तेईस रुपये एक बार पे करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं पे नाउ एंड डाउनलोड एक्शन पर हमें क्लिक करना होता है तो आगे जाके वेबसाइट चेंज होगा अब जो जैसे आप शॉपिंग करते हैं वैसा वाला सिस्टम इसमें लगने वाला है क्योंकि आ, ये पे नाव में कई बार डाउनलोड नहीं होता किसी का परेशान हो जाते हैं अच्छा ये बात भी आपको बता दें कि कई लोग सोचेंगे कि अगर ये डाउनलोड ना हुआ पेमेंट कट गया तो नीचे देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको व्हाट्सएप करना है अगर आपका पैसा कट जाता है एक्सन डाउनलोड ना हो तो नीचे जो एक्शन मतलब व्हाट्सअप नंबर है हमारा इस पर व्हाट्सअप करना है कॉल मत कीजिए व्हाट्सएप की यहाँ पर भी लिखा है व्हाट्सएप ओनली ठीक है तो ये हमें व्हाट्सअप कीजिए आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे तो अभी हम यहाँ पर पे नाम डाउनलोड एक्शन पर क्लिक कर दें हैं यहाँ पर आपको खुद का हमारा नहीं आपको अपना नंबर डालना है जो डाउनलोड कर रहा हम एग्जाम्पल लिए हमने अपना डाल दिया यहाँ पर आपको स्वयं की मेल आई डालनी है यहाँ पर आपको नाम डालना है और पे नाव पर आपको यहां पर फिर क्लिक करना ये हमने नाम डाले और पेनाओ पर हम क्लिक करेंगे जब पेनाओ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जहां आपको पेमेंट करना है तो यहां से आप यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ये जो यूपीआई है यूपीआई पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर आप फोन पे भीम यूपीआई गूगल पे यूपीआई नंबर किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं जैसे हम फोन पे से करना चाहें तो हम यहाँ पे फोनपे का नंबर डाल देंगे सिंपली और यहाँ से हम वेरीफाई पे क्लिक करके जो आप पेमेंट करते हैं नॉर्मली वैसा कर लेंगे और जैसे आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कंट्रोल आप ये दबाएंगे या तो फिर आप जो डाउनलोड वाले ऑप्शन हम आएंगे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे यहाँ पे देख लेना है आपको तो यहाँ पर आपका डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा जैसा हमारा ये दिख रहा है हमने पहले क्योंकि डाउनलोड करके रखा है तो ऐसा आपको डाउनलोड में आ जाएगा ठीक है लगभग इस तरह का एक्शन आपको देखने को मिलेगा पर एक्शन को जो नाम रहेगा जैसे हमने डाउनलोड करके रखा पहले से ये वाला इस तरह का एक्शन का नाम रहेगा ठीक है ये वाला तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो हमने उससे पहले आपको बता दिया है लोड करना अगर नहीं भी देखा तो फिर से देख लीजिए ये विंडो आ गया है ये वाला ये वाला तो अभी आ, हम आपको क्या करेंगे जो एक्शन हमने लोड कर लिया है इसको उठा कर लाएंगे सीधा फोटोसोप मिला के यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो भी हमारा एक्शन लोड हो गया अभी एक्शन लोड हो गया अभी हमें क्या करना है जब ये एक्शन लोड हो जाता है तो एक्सल को प्ले करने के लिए ध्यान से देखिए अगर आपका ऐसा चेहरा बंद है इस एक्शन का तो यहाँ पर क्लिक करके क्लिक करके इसको खोल लेना है और फिर यहाँ पर जो लिखा प्रिंट टू कम्प्यूटेंट पांच पी डी यू आर के के सी मतलब ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन आपको ये संबल ये देखना है कि प्रिंट टू इन फाइव पीडी और इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर ये सी डी ड्राइव प्ले टाइप का जो ऑप्शन रहता है बटन रहता है पिले वाला इस पर आपको ये पिले वाला है इस पर आपको क्लिक करना है और अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे प्ले पे आप देखेंगे कि आपके जो कार्ड हैं एक के बाद एक एक के बाद एक ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड करने के लिए सेट हो जाएंगे बढ़िया तरीके से और कमाल की बात इसमें एक ये रहती है देखेंगे अगर आप कमाल की बात इस सेक्शन में ये रहती है कि आपका जो क्यू कोड है वो स्क्वायर में रहता है ऐसा नहीं रहता कि वो लंबा हो जाए स्क्वायर में रहेगा आपका क्यू कोड जिससे कि आप स्कैन भी आसानी से कर सकते हैं तो इस तरह से आप यह एक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है एक बार फिर से एक वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो समस्या आ रही थी उसका सॉल्व हो सके आप स्वयं से कर सके फिर भी अगर आपको एक्शन डाउनलोड करने के बाद पेमेंट करने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं पूरी हेल्प की जाएगी और जैसे कि हमने बताया कि हमारी वेबसाइट में थोड़ा सा चेंज होने वाला है मतलब कुछ बदलाव होगा जो हाँ, इस तरह का वेबसाइट तो अपना ही रहेगा कोता रहेगा लेकिन इस पर थोड़ा सा जो चीज़ें हैं कि हम एक अकाउंट बनाने का सिस्टम इसमें लगवा रहे हैं जिसमें कि यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाएगा कि अगर कई बार आप पेमेंट करते हैं और एक्शन डाउनलोड नहीं होता है नहीं भी होता है तो माई अकाउंट पे जाकर वो हम आपके उस अकाउंट पे बना रहेगा डला रहेगा कि ये एक्शन है आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो वो वाला सिस्टम बना रहा है जैसे हम अमेजॉन फ्लिपकार्टे वो चेक नहीं करते तो उसमें हम सब कुछ ऑर्डर देखते हैं ऐसे ही रहेगा ऑर्डर एज एक टाइप का ऑर्डर टाइप का रहेगा तो वो वेबसाइट का चेंजेस होने वाला है इसीलिए आप परेशान मत होइए अगर वेबसाइट का इंटरफेस चेंज हो जाता है तो ज़्यादा परेशानी नहीं, नहीं होनी चाहिए उस पर हम वीडियो डालते रहेंगे भाई कैसे आपको इसमें डाउनलोड करना है कैसे आपको अकाउंट बनाना है तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जो आपके लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा